आपको आगाह कर रहे हैं कि इस वक्त सीए बलूचिस्तान चंद ही लम्हे में मीडिया टॉक करने जा रहे हैं। चंद लम्हे पहले यहाँ पर क्वेटा पहुँचे थे, इजलास हुआ है, अमनो अमान की सूरत हाल और आइंदा के दहशत गर्दों के खिलाफ लाहे अमल पर वो बात भी मीडिया टॉक करें। गुजार हूँ कि वो आज यहाँ पर तशरीफ़ लाए और पूरा बलूचिस्तान की फ़िज़ा जो है वो गम में है, दुख में है। पूरे बलूचिस्तान के लोग दुखी हैं कि जिस तरीके से, जिस बर्बरियत के साथ मासूम लोगों को निशाना बनाया गया है। तो आज मोहसिन साहब आए, हमने यहाँ पर एक मीटिंग की है और मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब जब बलूचिस्तान को ज़रूरत महसूस हुई है, जब जब मुझे कोई इशू हुआ है फेडरल गवर्नमेंट रिलेटेड, वन फ़ोन कॉल अवे, आई मस्ट गिव हिम दिस क्रेडिट कि एक फ़ोन कॉल पे तशरीफ़ भी ले आते हैं। जैसे सेकंड टाइम तुरबत में जब हमारे डीसी का वाकया हुआ तो वहाँ तुरबत भी तशरीफ़ ले गए और आज क्वेटा भी आए। बड़ी डिटेल लेंथ में डिस्कशन हुई है लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, फ्यूचर प्लान्स के हवाले से। ज़ाहिर है कुछ चीज़ें हैं जो मीडिया में शेयर नहीं की जा सकती हैं, तो मैं एक बार फिर मोहसिन साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आप यहाँ तशरीफ़ लाए। एंड इट्स अप टू यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा आने का मकसद यहाँ पे ये था कि आप लोगों को और बलूचिस्तान की आवाम को ये पता हो कि फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर सीएम बलूचिस्तान की बैक पे खड़े हुए हैं। जो ये फैसला करेंगे, जो ये डिसीजन करेंगे, हम लोग इनकी सपोर्ट करेंगे। आज कैबिनेट मीटिंग थी, प्राइम मिनिस्टर ने कहा नहीं कैबिनेट मीटिंग छोड़ दें, आप फौरी तौर पे जाएं। और सबसे अच्छी बात इस टाइम मुल्क के लिए ये है कि चाहे प्रेसिडेंट हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर हैं, चाहे आर्मी चीफ हैं, सब बलूचिस्तान के मुतालिक कंसर्न हैं और इस चीज़ों को सोल्यूशन की तरफ देख रहे हैं और वर्किंग कर रहे हैं। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपके सामने हो, बहुत सारी बैकएंड पे जो काम हो रहा है और उसके लिए वर्किंग बाकायदा हो रही है, जिसको लीड सीएम खुद कर रहे हैं। फिर सीएम जो भी फैसला करेंगे, जो भी सपोर्ट मांगेंगे या मांग रहे हैं या कर रहे हैं, फेडरेशन की तरफ से पूरी सपोर्ट है। इंटीरियर मिनिस्ट्री इनकी अपनी है, उसमें तो कोई दूसरी डाउट नहीं है, हम लोग इनके साथ खड़े हैं। जो पिछले परसों हुआ हम सब उसमें गमगीन हैं। ऐसे वाकयात जो हैं वो काबले बर्दाश्त बिल्कुल नहीं हैं और हम लोग मिलकर इंशाल्लाह ताला इन तमाम चीज़ों का सदेबाब करेंगे। और जो लोग सोच रहे हैं कि ये इन वाकयात से हमें डरा सकते हैं या अपना कोई मैसेज दे सकते हैं, उनको बहुत जल्द एक अच्छा मैसेज मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला। देखिए मेरा ख्याल है प्रोविंशियल गवर्नमेंट बिल्कुल जागी हुई है और जो इस टाइम अप्रोच है, आपका जितना मर्जी बड़ा दुश्मन भी हो वो भी कह रहा है कि ये अप्रोच पहले कभी नहीं आई बलूचिस्तान गवर्नमेंट की। जो दहशतगर्दों ने हमला किया है बिल्कुल किया है, छुप के किया है ना, सामने आते मुकाबला करते, इंट्रीक करके किया है, कोई मसला नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूँ, अभी हम ये बात कर रहे थे ऑपरेशन की, किसी ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, ये एक SHO की मार है और आप देखेंगे ये एक SHO की मार रहेंगे इंशाल्लाह ताला। इनके लिए कोई लंबी चौड़ी हमें साइंस करने की ज़रूरत नहीं है, ये दहशतगर्द हैं और दहशतगर्दों का मुकाबला करना हमारी सिविल आर्म फोर्सेज भी जानती हैं, हमारी आर्म फोर्सेज भी जानती हैं, हमारी पुलिस भी जानती है और इनका बंदोबस्त होगा। मैं एक मिनट प्लीज़, मैं ज़रा इस सवाल का जवाब दे दूँ। क्या हमारी फोर्सेज ने जब वो रेटिलिएट कर रहे थे, जब सड़क पर आए, ये जो कैप्टन साहब शहीद हुए हैं ये तो रिस्पॉन्स में शहीद हुए हैं, ये तो जब सुना कि वहाँ पर आके रोड पे ये दहशतगर्द आए तो ये रिस्पॉन्स के लिए जा रहे थे तो अपनी जान गंवा दी ना। जो अकलौता बेटा था अपने माँ बाप का, 10 महीने की उसकी एक छोटी सी बेटी है, वालिद उसका कैंसर का पेशेंट है लास्ट स्टेज का, उसने अपनी जान कुर्बान की है बलूचिस्तान के लोगों के लिए, कैसे आप कह रहे हैं कि रिस्पॉन्स नहीं था? वो 53 फैमिलियाँ हमारी फैमिलीज़ हैं, हम उनके साथ हैं। मैंने आपसे कहा कि जैसे कल भी 4000 किलोमीटर हमारी सड़कें हैं, उसमें से वो किसी एक इंच को ढूंढते हैं, हमारी सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, हमारी सोसाइटी के अंदर आके सिक्योरिटी फोर्सेस ग्रे में ऑपरेट कर रही हैं। कैसे पता चलेगा कि ये जो बंदा आ रहा है ये सड़क की रेकी करने आ रहा है या ट्रेवलर है? जब हम उनको रोकते हैं तब भी आपको इशू शुरू हो जाते हैं, तो वो रेकी करते हैं, हमारी सबसे वीक जगह देखते हैं, वहाँ आकर आधे घंटे के लिए आते हैं, सॉफ्टेस्ट टारगेट को ढूंढते हैं, बसों से मुसाफिरों को उतारते हैं और उतार के ले जाके 100 मीटर पर मार के भाग जाते हैं। तो उस रिस्पॉन्स मैकेनिज्म है, आज जिस वक्त मैं और आप बात करें इस वक्त भी उनका पीछा किया जा रहा है।
तो रिस्पॉन्स इज देयर, सूबाई हुकूमत हो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, वी विल गो अगेंस्ट देम एट एनी कास्ट एंड एवरी कास्ट। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, मैं जो SHO वाली बात भी मैं करूँ वो भी क्लेरिफाई कर दूँ, ये मैं आपको एज एन एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई वो नहीं कि SHO खाली ऑपरेशन करेगा, महावरतन मैंने आपको ये बात की है। दूसरी बात ये कि सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि वो क्या करते हैं, जो CM साहब ने अभी बोला, वो एक आधा किलोमीटर पिक कर लेंगे, आएंगे चुप करके, हमला करेंगे और भाग जाएंगे। बलूचिस्तान सबसे बड़ा प्रोविंस है, आप जो मर्ज़ी कह लें, जितनी मर्ज़ी फोर्स लगा लें, आप चप्पे चप्पे पे नहीं कर सकते। हम अपनी चेक पोस्ट पे होंगे, अपने थाने में होंगे, अपने हेडक्वार्टर पे होंगे, बट हमें उन लोगों के पीछे जाना है जो ये पीछे प्लान कर रहे हैं, जो पीछे करवा रहे हैं और जो ये सारी की सारी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। आप अगले आने वाले दिनों में देखेंगे इंशाल्लाह ताला उन सब का बंदोबस्त होगा। थैंक यू, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। वज़ीर दाखला मौसा और CM बलूचिस्तान मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर वज़ीर दाखला का ये कहना था कि ये दहशतगर्द हैं और सिर्फ एक SHO की मार है, बलूचिस्तान सबसे बड़ा सूबा है, हमें इन लोगों के पीछे जाना है।